आज हम बात करेंगे ऐसे इम्पोर्टेंट जॉइंट की मोबिलिटी के बारे में। यस, आज हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी के बारे में, जानेंगे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है और किन एक्सरसाइज से हम अपने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी और स्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो शोल्डर जॉइंट आपका स्टेबिलाइजर के रूप में काम करता है ऑलमोस्ट आपकी हर एक्सरसाइज में, मतलब 99.9% ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका शोल्डर स्टेबिलाइजर के रूप में काम कर रहा होता है। सेकंड, ये बहुत ही ज़्यादा इजीली इंजर्ड होने वाला जॉइंट है, मींस इसमें आप इजीली के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपकी इंजरीज के चांसेस। क्यों? क्योंकि पहले तो लोग इसका वार्म अप करते ही नहीं है। मैंने जिम में अक्सर लोगों को देखा है, 90% लोग आते हैं जिम में सीधा पुशअप पुलअप्स लगाते हैं और सीधा बेंच प्रेस करने लग जाते हैं, तो वार्म अप तो ऑलमोस्ट 90% लोग करते नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जब आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे होते हो तो अगर आपके रोटेटर्स कफ या फिर स्टेबलाइजर मसल जो कि शोल्डर के होते हैं अगर वो स्ट्रांग नहीं है तभी भी आपके इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये एक ऐसा जॉइंट है मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी लिफ्टिंग कर रहे हो, अगर आपने अपनी बॉडी का वार्म अप नहीं हुआ है, यानी कि आपने अगर अपने घर पे भी अगर कोई हैवी लिफ्टिंग कर लिया अनजाने में या फिर आपने सिलेंडर भी डाला, तब भी आपकी इंजरीज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर इसको रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है जिससे आपकी जो प्रोग्रेस होती है वो रुक जाती है। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ पीवीसी पाइप के बदले चार ऐसी मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज जिससे आप अपने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो, प्लस एक एक्सरसाइज हम बताएंगे आपको रेजिस्टेंस बैंड से, वो भी मोबिलिटी की एक्सरसाइज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन सी ऐसी पाँच एक्सरसाइजेज है जिससे आप अपने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। सो फर्स्ट एक्सरसाइज गाइस जो हमें करनी है इस पीवीसी पाइप से वो है हमारी पीवीसी पास थ्रू। तो इसे करने के लिए हमें ध्यान में ये रखना है कि हमें इस पीवीसी पाइप को अपने ASIS जॉइंट करना है और ASIS जॉइंट पे लाने के लिए इसे हमें तब तक वाइड रखना है अपने हाथों को, तब तक वाइड करना है अपने हाथों को जब तक ये हमारे ASIS जॉइंट पे नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मेरा ASIS जॉइंट पे आने वाला है, तो ये इतने पे मेरे ASIS जॉइंट पे आया तो मैंने इसको यहाँ से होल्ड करा है पीवीसी पाइप को। तो एक चीज जो आपको इस एक्सरसाइज को करते हुए ध्यान रखनी है वो है आपको एल्बोस को अपनी लॉक रखना है। लोग क्या करते हैं इस एक्सरसाइज को करते टाइम कि अपने एल्बोस को फ्री छोड़ देते हैं, यानी कि जब यो इस पास थ्रू को करते हैं तो उनकी एल्बोस लॉक नहीं रहते, तो ध्यान रखना है कि अपने एल्बोस को लॉक रखें इस एक्सरसाइज को करते टाइम और अपने हाथों को एक जगह फिक्स रखें। हाथों को ऐसे खोलना नहीं है और बंद नहीं करना है, बार बार हाथों को अपने फिक्स को बना के रखें और एल्बोस को लॉक रखें। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमें इस पीवीसी पाइप की हेल्प से करनी है वो है हमारा पीवीसी शोल्डर डिसलोकेटर्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी आपको अपने हाथों को तब तक वाइड करना है जब तक ये पीवीसी पाइप आपके ASIS जॉइंट पर नहीं आया था और आपकी एल्बोज लॉक नहीं हो जाती। इसके अंदर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो आपके एल्बोज रहेंगे लॉक और दूसरा आपके हाथों की पोजीशन रहेगी फिक्स, यानी कि इसको करते टाइम आपके जो हाथ रहेंगे वो फिक्स रहेंगे। यानी कुछ इस तरीके से अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को मूव करने वाला हूँ तो आपका राइट हैंड उसी पोजीशन में फिक्स रहेगा जहाँ पर वो उस टाइम। ठीक है, अगर मैं अपने राइट हैंड को मूव करने वाला हूँ तो हमारा लेफ्ट हैंड उसी पोजीशन में फिक्स रहेगा जहाँ पर वो इस टाइम। थर्ड एक्सरसाइज जो हमें करनी है पीवीसी पाइप से वो है हमारी पीवीसी पाइप एक्सटर्नल रोटेशन। पीवीसी पाइप एक्सटर्नल रोटेशन को करने के लिए आपको अपने पीवीसी पाइप को लेटरल साइड पर रखना होगा और आपके जो मसल का जो इंसर्शन होता है शोल्डर्स के वहाँ पे इस पीवीसी पाइप को होल्ड करना है आपको अपने वर्किंग हैंड से। तो ये है हमारे शोल्डर्स जॉइंट के मसल का इंसर्शन और आपको अपने वर्किंग हैंड से यानी कि इस हाथ से अपने पीवीसी पाइप को कुछ इस तरीके से पकड़ना है और दूसरे हाथ से आपको अपने पीवीसी पाइप को नीचे से पकड़ना है और शोल्डर्स को एक्सटर्नली रोटेट करने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमें करनी है इस पीवीसी पाइप से वो है हमारी पीवीसी इंटरनल रोटेशंस और पीवीसी इंटरनल रोटेशंस को करने के लिए आपको अपने इस पीवीसी पाइप को अपने बैक पे यानी स्पाइन की अलाइनमेंट पे रखना होगा। आपको अपने हाथों को कुछ इस तरीके से रखना है और अपने जो पीवीसी पाइप है उसको बैक में यानी कि स्पाइन के अलाइनमेंट के एकदम सीधा रखना है। ठीक है, तो इंटरनल रोटेशन को करने के लिए आपको अपने हाथ को अपर हैंड को ऊपर की तरफ खींचना है, पूरी करना है और
ये सेम एक्सरसाइज आपको करना है, आपको दोनों हाथों से करनी है, यानी कि जो आपका हाथ नीचे रहेगा वो आपका हाथ इंटरनली रोटेट होगा, ना कि ऊपर वाला। तो फोकस करना है कि आपका जो हाथ नीचे है उसको इंटरनली रोटेट करने पे फोकस करें, ना कि ऊपर वाले हाथ को। सो दोनों हाथों से करना है इन सभी एक्सरसाइजेस को। और ये थी हमारी चार एक्सरसाइजेस पीवीसी पाइप की हेल्प से। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी होने वाली है वो है रेजिस्टेंस बैंड की मदद से, वो है रेजिस्टेंस बैंड पल्सेस। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। सो लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी बची है शोल्डर मोबिलिटी की इस पार्ट की, वो है हमारी शोल्डर अबडक्शन पल्सेस। सो शोल्डर अबडक्शन पल्सेस को रेजिस्टेंस बैंड से करने के लिए आपको अपने रेजिस्टेंस बैंड को यहाँ पे कुछ इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। रेजिस्टेंस बैंड को यहाँ पर रखना है अपने क्लेविकल बोन के पैरेलल और अबडक्ट करना है अपने हाथ। गाइज ये थी हमारी शोल्डर मोबिलिटी की वो पांच एक्सरसाइजेस जो मैं नॉर्मली अपने वर्कआउट रूटीन में करता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि अपनी शोल्डर मोबिलिटी को इंक्रीज करना है या फिर अपने शोल्डर को स्टेबलाइज करना, अपने शोल्डर को स्ट्रेंथ करना और आपके शोल्डर में जो इंजरीज होती है वो कम हो जाए ना हो, तो इन एक्सरसाइजेस को आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड कर सकते हो, ताकि आपके शोल्डर जॉइंट्स की मोबिलिटी इंक्रीज हो सके और आपके इंजरीज के चांसेस कम हो सके। तो गाइज यहीं तक थी हमारी आज की ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी है तो इसमें जल्दी से आगे कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। और मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, शोल्डर मोबिलिटी पार्ट 2 में। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए।